हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। पल पल में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है, हमें अपनी लाइफ को कैसे सक्सेस बनाना है, कैसे एंजॉय करना है, कैसे अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है। तो इसको अच्छे से जीने के लिए हमें सिर्फ चार बातों का ध्यान रखना है। ऐसी कौन सी चार बातें हैं जो हमें हर किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम अपनी बातें किसी से शेयर कर लेते हैं तो उसके बैड फैक्ट्स हमें हमारे सामने आते हैं। तो हमें अपनी ऐसी कौन सी चार बातें हैं जो हमें हर किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, आज मैं इस टॉपिक पे आपसे बात कर रही हूँ। तो अगर हम अपनी पर्सनल बातें दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो वो क्या करते हैं कि हमारी बातें पूरे मजे से सुनते हैं, लेकिन वो आगे की आगे जाकर दूसरों को बता देते हैं। लेकिन हमारे जो दुख हैं या खुशियां हैं, जो भी हम उनके साथ शेयर करते हैं, उनके ऊपर मरहम कोई भी नहीं लगाता है। हर कोई उसके ऊपर नमक छिड़कने को तैयार रहता है। मतलब कि कुछ हमारे हार्ट टचिंग थॉट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमें अपने तक ही सीमित रखने चाहिए, उसे हर किसी के साथ शेयर करना जरूरी नहीं होता। जैसे कि हम अपनी पर्सनल डायरी लिखते हैं, उसको सिर्फ हम ये चाहते हैं कि सिर्फ हम ही देखें या हमारे जो बहुत क्लोज है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, वो ही देखें। अदरवाइज उस डायरी को कोई भी ना देखे। तो हम उसमें बहुत सी हमारी इच्छाएं लिखते हैं, बहुत से हमारे जो थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, किसी के बारे में, अपने बारे में, या जो हमें किसी के लिए नहीं भी सोचने होते वो भी हम लिखते हैं। लेकिन बाय चांस अगर सोचो उस डायरी को कोई पढ़ लेता है, किसी के हाथ लग जाती है, तो हमने उसमें उसके अंदर उस डायरी में हमने अपने थॉट्स, दूसरों के बारे में जो थॉट्स हैं जो वो नहीं हैं, कई बार हमारे माइंड में वो भी उनके बारे में विचार आ जाते हैं, हम वो भी लिख देते हैं। तो सोचो अगर वो डायरी हमारी किसी के हाथ लग जाए तो क्या हो। तो इसलिए हमारे लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर किसी के साथ शेयर करना ज़रूरी नहीं होता है, उसे सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे क्या है, हमारी इच्छाएं, हमारी इच्छाएं और सपने। हमारी इच्छाएं क्या है वो सिर्फ हमें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए, इच्छा रखनी चाहिए। इच्छा रखना बहुत जरूरी है, बिना इच्छा के इंसान की जो लाइफ है उस पर फुल स्टॉप सा लग जाता है। अगर हमारे अंदर कोई इच्छा ही नहीं है काम करने की तो फिर हम वो काम कैसे करेंगे। अगर हमारे अंदर इच्छा है तो हम बड़े से बड़ा काम भी आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर हमने कोई बहुत बड़ा काम करने की, कुछ बनने की हमने इच्छा की हुई है, कोई सपना देखा है, तो मान लो हमने वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर ली, तो वो बात जो हमने शेयर की है हो सकता है कि हमारा फ्रेंड हमें डिस्करेज करे। डिस्करेज कैसे करे, क्योंकि मान लो अगर उसने कह दिया कि क्या तेरे में इतनी कैपेसिटी है तो ये काम कर लेगा, तो वो क्या है कि हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, जो हमारी इच्छा होती है वो वहीं पर दबना शुरू हो जाती है। तो हम कहीं ना कहीं सोचने लगते हैं कि हाँ, क्या मेरे अंदर इतनी पावर है भी मैं ये काम कर लूँगा। मतलब वो बात हमारे दिमाग में घूमती रहती है। तो इसलिए हमने अपनी इच्छाएं किसी के साथ, हमने अपने सपने किसी के साथ शेयर नहीं करने होते हैं। तो मान लो हमने कुछ बनना है, या हमारे बच्चों ने कुछ बनने के लिए या कोई टेस्ट वगैरह दिया है, मान लो आइलेट्स का टेस्ट देने के लिए किसी ने कोई टेस्ट दिया है, तो क्या होगा वहां पर कि हमने सभी को बता दिया, आस पड़ोस में, रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को, सभी को बताया है कि मेरे बच्चे ने आइलेट्स के लिए टेस्ट दिए हैं। तो वहाँ पर अगर बच्चा क्लियर नहीं कर पाता है तो लोग वहाँ पर टोंटिंग करते हैं, जो कि हमारे से बर्दाश्त नहीं किया जाता है।
टोंटिंग वे में जब लोग बोलते हैं कि हाँ हो गया अब इनका आईलेट्स क्लियर, आपने तो आईलेट्स का एग्जाम दिया था, क्या वो क्लियर हुआ, क्या आप कर पाए, नहीं कर पाए, तो वो ऐसी बातें हमें चाहे नॉर्मल वे में वो कहें तो हमें उस टाइम वो ऐसे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा पिंच होती हैं कि सामने वाला शायद टोंटिंग वे में कह रहा है, चाहे उनका इंटेंशन गलत नहीं होता है लेकिन फिर भी हमें बहुत ज़्यादा पिंच होती हैं, तो तब हम सोचते हैं कि शायद शायद हमने ये बातें उनके साथ शेयर ही ना की होती। अगर हम हमारी इच्छाएं और सपने जो हैं वो हमने सिर्फ अपने तक ही सीमित रखे हों, हम अपना काम करते रहें, जो फल है उसका आने के बाद जो ढिंढोरा है वो पीटे, मतलब कि हम पहले ढिंढोरा पीट देते हैं कि हमने ये किया है, हमने ये किया है, हमारी ये इच्छा है, तो अगर हमारा कर्म हम करते रहें और फल को देखकर अपने आप ही लोगों को पता चले कि हाँ अब इस बच्चे ने आईलेट्स क्लियर कर लिया है, हाँ अब ये बन गया है, अब इसने ये उपलब्धि प्राप्त कर ली है, तो जो रिजल्ट आते हैं उससे लोगों को अपने आप पता चले तो उसका जो मजा होता है वो एक अलग ही होता है। फर्स्ट बात तो मेरी ये थी कि हमने अपनी इच्छाएं और सपने किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं, और सेकंड है फाइनेंशियल स्टेटस, जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी इनकम है, वो हमने किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती कि हमारी क्या इनकम के सोर्स हैं, कितनी इनकम है, कम है या ज़्यादा है, उस बारे में नहीं मैं कह रही हूँ, अगर कम है तो भी बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़्यादा है तो भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मान लो अगर हमारी इनकम कम है तो हम सभी को बता रहे हैं कि हमारी इनकम कम है, मेरा बजट इतना नहीं है कि मैं ये चीज़ ले सकूं, और कल को वही चीज़ हमने ले ली तो लोग क्या कहेंगे कि कल तो ये ऐसे कह रही थी कि मेरा बजट नहीं अलाउ करता कि मैं ये चीज़ खरीद सकूं, तो आज इसने ये चीज़ ले ली, मतलब कि लोगों का काम ही है बातें करना, जो बातें वो करते हैं वो फिर हमें टॉन्टिंग वे में लगती हैं, वो हमें बर्दाश्त नहीं होती हैं। अगर मान लो हमारी इनकम ज़्यादा है, प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तो उसके बारे में अगर हम शेयर करते हैं फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, आस पड़ोस के साथ, सभी को ही पता होता है कि क्या इनकम है इनकी, लेकिन बार बार अपने मुंह से कहना भी मेरी इनकम बहुत है, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, और मेरे तो पैसे वैसे ही इधर उधर बिखरे रहते हैं, कोई भी मेरे से मांगने चला आता है, तो जिसको हम कह रहे हैं वो क्या सोचते हैं कि इसके पास तो यार बहुत पैसा है, चलो आज मेरे को जरूरत है, मैं मांग कर देखता हूँ, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने उसी दोस्त से पैसे मांगने जाता है जिसने उसको ये कहा होता है कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, तो वो बाय चांस उसे ना दे सके तो वहां पर इंसल्ट फील होती है कि हाँ मैंने तो इसको कहा था भी मेरे पास बहुत पैसा है तो अब मैं उसको नहीं दे पाया, तो इसलिए चाहे हमारी प्रॉपर्टी, हमारी इनकम, हमारे इनकम के सोर्स ज़्यादा हैं चाहे कम हैं, वो हमें किसी के साथ शेयर नहीं करने, ज़रूरत भी क्या है शेयर करने की, बस अपनी लाइफ को एंजॉय करें, ज़रूरत ही नहीं है किसी के साथ शेयर करने की। और थर्ड नंबर पे है जो हमारी बैड मेमोरीज होती हैं, कुछ हमारे साथ कभी कभी पास्ट में ऐसा घटित हुआ होता है कि वो हमें हर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इतना इमोशनली हो जाते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ या जैसे भी, तो हम अपने पास्ट के बारे में उनसे अपनी सारी बातें शेयर कर लेते हैं, मतलब कोई बात ऐसी होती है कि हमें अंदर ही अंदर जैसे कूट रही है कि हम क्या करें कि सभी को पता ना चल जाए, वही बात हम किसी के साथ शेयर कर लेते हैं, वो बात किसी को नहीं पता होती वैसे, लेकिन किसी एक के साथ अगर हमने शेयर कर ली मान लो, तो उसको भी वो नहीं बर्दाश्त हुई, उसने आगे अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर ली, उसने आगे शेयर कर ली, तो क्या होता है कि जिस बात से हम इतना डर रहे थे वो घूमती हुई इतनी ज़्यादा फैल जाती है आगे से आगे कि वो वापस हमारे पास आना शुरू हो जाती है, तब हमें बहुत ही दुख होता है कि काश मैंने इसके साथ
अपनी बातें शेयर ना की होती, तब क्या होता है कि जो हमारी बेस्ट फ्रेंड भी होती है उसके ऊपर भी हमारा फेथ नहीं रहता है। नेक्स्ट टाइम हम उससे अपनी बात करने से झिझकते हैं, नॉर्मल बात करने से भी झिझकते हैं, अपने सीक्रेट शेयर करने की बात तो बहुत दूर होती है। फोर्थ नंबर पर आता है हमारे घर के झगड़े। जो भी हमारे घर के आपसी झगड़े होते हैं किसी के साथ भी, तो उसको अपने घर से बाहर ना निकलने दें। जो भी आपस के झगड़े होते हैं आपस में उसे बैठकर घर पर ही निपटाने की कोशिश करें, ना कि दूसरों के साथ उसे शेयर करें। क्योंकि क्या होता है कि मान लो सुबह हस्बैंड और वाइफ में किसी बात को लेकर, छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया, तो उसने अपनी फ्रेंड से शेयर कर ली या अपने आस पड़ोस में किसी के साथ शेयर कर ली, तो क्या होता है कि वो आगे से आगे बताती जाएंगी किसी को, और जो आपस में उनका झगड़ा हुआ था हस्बैंड वाइफ में, उनकी जो क्या है कि सुलह हो गई, उन दोनों में अब झगड़ा खत्म हो गया, लेकिन वो बात है जो घूमती हुई वापस उन तक आती है तो उन्हें बहुत फील होता है। मान लो हस्बैंड ने कुछ कह दिया वाइफ को, तो जब हस्बैंड को पता चलेगा भी मेरी वाइफ ने मेरी बात इतनी ज़्यादा फैला दी, तो वो बात पहले इतनी अधिक नहीं होती कि जो बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके इतने बैड रिजल्ट्स होते हैं कि बहुत ज़्यादा, जो कि हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा अपसेट कर देते हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका हमें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि इनसे हमारी लाइफ सेट रहे। तो हमें क्या करना होता है कि अपनी जो अपने सीक्रेट्स होते हैं अपने तक ही सीमित रखें, ना कि सभी को बताएं। तो अपनी लाइफ को एंजॉय करें, अपनी लाइफ को अच्छे से जिएं, और अपने तक ही अपनी बातों को सीमित रखें। अगर आपके मन में कोई और थॉट्स आ रहे हैं तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि ये बातें और हो सकती हैं कि जो हमें अपने दूसरों के साथ शेयर नहीं करनी होती। और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और किसी के को भी ये पता चले कि हमें अपनी जो अपने जो सीक्रेट्स हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करने होते, और शेयर करके हमें कुछ नहीं मिलता है सिवाय बैड रिजल्ट्स के। तो अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।